मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे पालघर जिले के नारा सुपारा में दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई थी। अब पुलिस ने जांच कर इस केस को सुलझा दिया है। नारा सुपारा पुलिस ने ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने वाले शख्स को पकड़ लिया है। ये शख्स पेशे से ओला ड्राइवर है। एक सीसीटीवी फुटेज में ये शख्स बैग लेकर ज्वेलरी शॉप में जाते नजर आ रहा है और कुछ ही समय बाद वो दुकान से भाग रहा है और आसपास के सभी लोग बस देखते खड़े रह जाते हैं। पुलिस ने लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इस चोर को पकड़ा है। कई बार पुलिस को इसका पता मिल जाता था लेकिन वो हमेशा भीड़ भाड़ के वजह से बच जाता था। लेकिन इस बार पुलिस ने उसकी गाड़ी से पेट्रोल को लीक कर दिया और जैसे ही उस चोर को ये खबर लगी कि उसकी गाड़ी से तेल निकल रहा है, वो घर से बाहर आया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसके पास से गिरफ्तारी के बाद कई जेवर और एक कार भी बरामद की गई है। 26/11/2022 को पाटनकर सिग्नल है, यहाँ पे एक नेकलेस ज्वेलर्स नाम का ज्वेलर्स दुकान है। उनके मालिक जो सुरेश कुमार धाकड़ है, वो दुकान में बैठे थे। तभी दोपहर में 1:45 से 2:30 बजे के बीच में एक अननोन पर्सन आके वहाँ पे उनको पिस्टल जैसे वेपन का धाक दिखा के उसमें से उनके ज्वेलर दुकान में से 150 ग्राम सोना लूट के लेके गया था। उसके बारे में नाला सपारा पुलिस स्टेशन में रॉबरी का गुनाह दाखिल है।